हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डैगा भाई। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने जियो फोन के इंटरनेट स्पीड को तेज कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, जियो फोन जब लॉन्च हुआ था तो जियो के यूजर काफी बढ़ चुके थे, और अभी मतलब कि अभी 2020 में जियो के काफी यूजर हैं जो एंड्रॉयड फोन में या फिर जियो फोन में जियो सिम का इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से जियो की इंटरनेट स्पीड काफी स्लो हो गई है, और इसका क्या मतलब, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इस वीडियो पूरा देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आपने चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकन प्रेस कर दो। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना डाटा यहाँ पर खोल लेता हूँ। अब दोस्तों, आपको अपने जियो फोन की स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपनी सेटिंग में जाना है जियो फोन की। मैं यहाँ पर अपने जियो फोन की सेटिंग में यहाँ पर जा रहा हूँ। आप देख सकते हो दोस्तों, मैं अपने जियो फोन की सेटिंग में यहाँ पर चला गया। आपको यहाँ पर जाना है मोबाइल नेटवर्क एंड डाटा पे। अब ऊपर देख सकते हैं नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी पहला ऑप्शन, और यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क एंड डाटा में आपको क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको सबसे लास्ट वाला इंटरफेस मतलब कि ऑप्शन एपीएन सेटिंग को आप क्लिक कर देना है। मैंने यहाँ पर ये क्लिक कर दिया, मेरे सामने एक ऑप्शन आ गया डाटा सेटिंग, ये मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर मेरा बहुत सारी एपीएन बन चुकी है। अब मैं आपको बताऊँ कि आपको करना क्या है। आपको साइड वाला ऑप्शन ऐड एपीएन पे, यहाँ पर पहले बैक करके दिखा दूँ एक बार आपको, डिस्कार्ड कर गई। आपके साइड वाला ऑप्शन हरे के ऊपर ऐड एपीएन पे एक बार क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको लिखना है जियो एपीएन वाले पे। आपको पहले आपको चूज करना है कैपिटल लेटर। मैं यहाँ पर कैपिटल लेटर चूज कर लेता हूँ, जियो। अब एक स्पेलिंग देख के आइए, एक मीनिंग। मैं यहाँ पर टाइप किया जियो डॉट। यहाँ पर मैंने, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जियो डॉट, अब आपको लिखना है इंटरनेट। तो मैं यहाँ पर इंटरनेट और लिख देता हूँ, यहाँ पर। यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब आपको नीचे वाला ऑप्शन यहाँ देख रहा हूँ आइडेंटिफायर, आपको यहाँ पर लिख देना है जियो, दूसरे ऑप्शन में जियो। अब यहाँ पर लिखना है आपको इंडिया, जियो स्पेस इंडिया, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। आपको जस्ट नीचे आ जाना है, नीचे यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख रहे होगे यहाँ पर, और यहाँ पर ऑथेंटिकेशन, ये ऊपर वाला ऑप्शन सारे छोड़ देने, नीचे ये ऑप्शन ऑथेंटिकेशन नॉट डिफरेंट है, यहाँ पर आपको कर देना है पीएपी और सीएचएपी मतलब पैप और चैप, यहाँ पर आप कर देना है। और आपको एपीएन टाइप ऐसे ही छोड़ देना। आपको मिलता है यहाँ पर प्रोटोकॉल, यहाँ पर सबसे लास्ट वाला ऑप्शन IPv4 एंड IPv6 पे आपको क्लिक कर देना है। ये मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया इसे। और रोमिंग जो प्रोटोकॉल, इसमें भी हम सेव प्रोसेस करेंगे, IPv4 IPv6 पे हम क्लिक कर देंगे और हमें इसे सेव कर देंगे। मैंने सेव कर दिया। आपने जो एपीएन बनाया है अभी, आप उसे उस पर उसे सेट कर दीजिए, तो हमारी सेट हो चुकी है। अब मैं आपको अपने इंटरनेट की स्पीड अभी दिखा दूँ कि मेरी इंटरनेट की स्पीड कितनी हो चुकी है। ये आप देख, ये मैंने यहाँ पर गूगल पर टाइप किया www.fast.com इंटरनेट भी चेक करने के लिए। तो आपको पहले वाले जो वेबसाइट है इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ मेरी इंटरनेट स्पीड देख सकते हो कि 1 MB/s, 5 MB/s, और यहाँ पर ये अप डाउन होती रहती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 5.8 MB/s, 6 MB/s यहाँ पर, तो लगभग हमारी यहाँ पर 5 MB की स्पीड पर सेकंड आ रही है, जो काफ़ी अच्छी खासी होती है। तो दोस्तों, इस ये ट्रिक करके आप अपने फ़ोन का इंटरनेट काफ़ी तेज कर सकते हो। जैसे मैं आपको YouTube खोल कर दिखा देता हूँ अभी, जो आप देख सकते हैं 5.8% हमारे इंटरनेट स्पीड आ रहा है।